So guys, आज की वीडियो में मैं आपको YouTube के तीन नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये अपडेट्स कौन से हैं और आपको इससे क्या क्या फायदा होने वाला है, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला अपडेट जो है वो सुपर चैट और सुपर स्टिकर से रिलेटेड YouTube ने हम सबके लिए दिया है, और वो ये है कि भाई सुपर चैट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब आप लाइव करते हैं तो लाइव के दौरान जो आपके व्यूअर्स होते हैं, जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है उसके बाद आपको ये फीचर मिलता है, और आपके जो व्यूअर्स हैं लाइव के दौरान आपको कुछ गिफ्ट देते हैं सुपर स्टिकर या सुपर चैट के माध्यम से। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये गिफ्ट्स आपको दिए जाते हैं, ये अगर आपकी कंट्री में फीचर अवेलेबल है तो ही आपको मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में ये फीचर अवेलेबल है, बहुत से क्रिएटर्स इससे अच्छी खासी कमाई भी यूट्यूब पर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज है दुनिया में जहां यूट्यूब तो चलता है लेकिन ये फीचर अवेलेबल नहीं था। यूट्यूब ने ऐसे कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज को चुना है और उनको भी ये फीचर दिया है। हालांकि ये अपडेट आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कंट्रीज कौन कौन सी है। सो गाइस, सबसे पहले जो कंट्री है वो है मलेशिया, उसके बाद केन्या, फ्रांस, गुआना, फ्रांस, पोलिनेशिया, गुआम, नॉर्दर्न मरियाना, तुर्क और चाउस आइसलैंड। मतलब ये जो कंट्रीज है अब इनको भी जो है सुपर चैट और सुपर स्टिकर का जो बेनिफिट है या जो फीचर है यूट्यूब पर मिल पाएगा, और वहाँ के जो क्रिएटर्स हैं इन फीचर्स का यूज कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, दूसरा अपडेट समझ लीजिए कि दूसरा अपडेट क्या है और ये आपके कैसे काम आ सकता है। देखिए, दूसरा अपडेट जो है वो चैनल पेजेस से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है कि यूट्यूब ने अभी कुछ दिनों पहले एक नया अपडेट दिया था, जिसकी वजह से कुछ जो व्यूअर्स हैं या जो कुछ क्रिएटर्स हैं उनके जो जीमेल आईडी है, उस जीमेल आईडी से वो जब वो किसी के भी चैनल पे विजिट करते हैं तो उनकी वीडियोस के सेक्शन में वीडियोस लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है। किसी भी चैनल के पेज पे जाने के बाद वहाँ उनको ब्राउज का ऑप्शन दिखाई देता है। ब्राउज का मतलब ये होता है कि आपको वीडियोज़ भी दिखाई देती है और उसी पेज पे आपको प्लेलिस्ट भी ऊपर दिखाई जाती है। इस फीचर से नुकसान क्या हुआ था पहले, कि आपके जो मोस्ट व्यूड वीडियोस और रिसेंटली पब्लिश्ड वीडियोस और ओल्ड वीडियोस का जो सेक्शन था वो वहाँ से कम्प्लीटली हट गया था, यानी कि शॉर्ट बाय का जो फीचर था वो वहाँ से हटा दिया गया था यूट्यूब की तरफ से। ये फीचर जो है हट गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग नाराज़ भी थे। मैंने इस बारे में वीडियो भी बनाई थी, लेकिन यूट्यूब जो है नए अपडेट के जरिए दोबारा से इन फीचर्स को लाने वाला है। हालांकि इसको दोबारा से लाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे होने वाला है। अब आपको जो है आपके चैनल के पेजेस पे या फिर किसी भी क्रिएटर के चैनल के पेजेस पे आपको दिखाई देगा रिसेंटली पब्लिश्ड वीडियोस और पॉपुलर वीडियोस का सेक्शन आपको अलग से दिखाई देगा, और ये ऑप्शन आपको आपके होम पेज पे ही दिखाई देगा, यानी कि होम पेज पे ये सेक्शन ऐड किया गया है। पहले ये वीडियोस के सेक्शन में आपको दिखाई जाता था। इसके अलावा एक और खास चीज यहाँ पे YouTube ने इसमें की है, और वो ये है कि जो पॉपुलर वीडियोस का जो सेक्शन है वो आपको तभी दिखाई देगा किसी भी क्रिएटर के चैनल पे जब आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यानी कि क्रिएटर्स के चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए एक नया जो एक्सपेरिमेंट है YouTube यहाँ पे करने वाला है, और आपको इससे फायदा ये होगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं अगर वो आपकी पॉपुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन्हें आपके चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, तभी वो आपके पॉपुलर वीडियोस देख पाएंगे। और ये अपडेट जो है फिलहाल एंड्रॉइड यूजर्स को ही जो है मिलने वाला है, iOS यूजर्स को फिलहाल ये अपडेट अभी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि बहुत जल्द iOS यूजर्स को भी ये अपडेट जो है मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी एंड्रॉइड यूजर्स को ही अपडेट दिया गया है। सो गाइस, आपको ये दूसरा अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप तीसरा अपडेट क्या है वो जान लेते हैं। अब दोस्तों, तीसरा अपडेट जो यूट्यूब ने रिलीज किया है सभी क्रिएटर्स और सभी व्यूअर्स के लिए, ये अपडेट मुझे काफी ज्यादा शानदार लगा है। हालांकि मुझे यूट्यूब से थोड़ा सा नाराजगी भी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि YouTube इस अपडेट को काफ़ी पहले भी ला सकता था, लेकिन YouTube बहुत समय बाद या बहुत टाइम लेट करने के बाद इस फीचर को लेके आया है। बहुत समय से इस अपडेट की ज़रूरत थी, और ये अपडेट है ट्रांसलेट कमेंट्स का। यानी कि जब आप किसी भी वीडियो पे विजिट करते हो तो वहाँ पे जो व्यूअर्स जो कमेंट करते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे व्यूअर्स होते हैं किसी ऐसी कंट्री से होते हैं जो वो अपनी लैंग्वेज में कमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और कोई इंग्लिश में कमेंट करता है और आप जानना चाहते हो कि उसने क्या कमेंट किया है, तो आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन वहाँ नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि गूगल का खुद का प्रोडक्ट है गूगल ट्रांसलेट, लेकिन यूट्यूब पर इस फीचर को लाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया यूट्यूब को, और अब जाके ये फीचर यहाँ पे आने वाला है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये अपडेट जो है अभी डेस्कटॉप वर्जन पे ही आपको अवेलेबल होगा, चाहे वो डेस्कटॉप स्टूडियो हो या फिर डेस्कटॉप यूट्यूब वर्जन हो, तो वहाँ पर ही आपको ये अपडेट जो है अवेलेबल हो पाएगा। एंड्रॉइड में या iOS में ये अपडेट अभी आपके काम नहीं करेगा, और ये अपडेट सभी के लिए आएगा, चाहे वो क्रिएटर्स हों या व्यूअर्स हों। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो YT स्टूडियो में जाके आप जो है अपने चैनल पर जो भी कमेंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं ट्रांसलेट करके। अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जो कि दूसरी कंट्री से रिलेटेड है और उन्होंने किसी ऐसी लैंग्वेज में जो है कमेंट किया आपकी वीडियो पे जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप वहां पे इजीली इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। और अगर आप व्यूअर हैं और आप किसी की वीडियो पे विजिट करते हैं तो वहां पे जो दूसरे व्यूअर्स होते हैं उनके कमेंट्स को भी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज में। सो गाइस, ये तीसरा अपडेट था जो कि यूट्यूब ने हम सभी को दिया है। आपको ये अपडेट कैसा लगा? मुझे तो ये वाला अपडेट काफी ज्यादा शानदार लगा है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस
कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाली YouTube से रिलेटेड और नॉन YouTube से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।